दो प्रदेश की सीमा का लाभ उठाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को आज टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों द्वारा चार लूट की घटनाओं को स्वीकार किया गया है। वहीं आरोपियों में से एक व्यक्ति से रंगदारी करने का भी मामला सामने आया। बदमाशों के कब्जे से अवैध देसी कट्टा, मोटरसाइकिल व लूट का सामान बरामद हुआ। इस कार्रवाई में जताना थाना प्रभारी, बमोरी कला थाना प्रभारी एवं कनेरा चौकी प्रभारी की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। यह बदमाश सुनसान सड़क का फायदा उठाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस को एक 15 तारीख को सुबह कुछ आवेदकों ने रिपोर्ट किया अलग अलग थानों में कि उनके साथ 14 तारीख को रात को लूट की लूट हुई है और उसमें उनसे कुछ पैसे लिए गए हैं और कुछ जो भी उनके मोबाइल है वो लिए गए हैं, पर्स लिए गए हैं। ऐसी लगभग 5 घटनाएं यहाँ टीकमगढ़ जिले में हुई और एक घटना मऊरानीपुर में हुई। चार घटनाओं में तो उनके पैसे लूटे गए, एक में उनसे पैसे मांगे गए थे अलग से और मऊरानीपुर में भी उन्होंने मारपीट की। सभी में एक कॉमन चीज थी घटनाओं में कि तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए थे, रोका, गाड़ी आगे लगाई, चाबी उनकी निकाल ली और उनके पास जो था वो मांगने लगे। तो सबसे पहले एक घटना हुई मजना चौकी के अंतर्गत बड़रा पुलिया टीकमगढ़ पर। फिर दूसरी घटना जतारा में हुई, मचोरा तिराहा जतारा बाईपास पे। उसके बाद बमोरी कला में जबरेश्वर मंदिर खरबूपुरा तिराहे पर इन्होंने घटना की। फिर प्रतापपुरा तिराहे पर एक घटना हुई। फिर उसके बाद कनेरा पावर हाउस में के पास एक घटना हुई और एक घटना इन्होंने की मऊरानीपुर में अग्रसेन कॉलेज के पास। इसमें जो पहली घटना थी उसमें फरियादी जगदीश लोधी ने बताया उनसे तीन लड़के आए और उनकी अंगूठी, घड़ी, मोबाइल छीन लिए। दूसरी घटना जो हुई उसमें फरियादी पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि उनके भी पैसे छीने। इस प्रकार सभी में किसी से पैसे छीने और किसी से उनका मोबाइल ले लिया। तो इसमें पुलिस की टीम ने तत्काल एक्शन लिया, जैसे ही पता चला अपराध पंजीबद्ध किया, इनके साथ लूट हुई थी लूट के अपराध पंजीबद्ध किया धारा 394 के अंतर्गत और साथ में मारपीट हुई थी तो मारपीट की भी धारा लगाई गई। इस प्रकार जिनके साथ अड़ीबाजी की तो अड़ीबाजी का अपराध पंजीबद्ध किया। इसमें हमारे SDOP साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई जिसमें थाना प्रभारी जतारा, थाना प्रभारी बलदेवगढ़, चौकी प्रभारी मजना, थाना प्रभारी बमोरी कला, थाना चौकी प्रभारी कनेरा और इनकी पूरी टीम ने 2 रात कंटिन्यूअसली लगकर इनको आरोपियों को घेर कर पकड़ा। इसमें 3 आरोपी हैं, इनके नाम है रवि पिता पप्पू यादव, जितेंद्र पिता कैलाश यादव और सौरभ पिता देवेंद्र अहिरवार। इनको पुलिस ने पकड़ा है और लगभग 1 लाख का मशरूम का भी बरामद किया गया है, जिसमें 60,000 रुपए की एक बाइक है, एक देसी कट्टा इनसे मिला है और लूटे हुए 3 पर्स मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, 2 लूटे मोबाइल मिले हैं और 14,000 रुपए कैश मिला है। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।